हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी मैम उषा यादव आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे, उषा क्लासेस पे। यस, आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का टॉपिक करेंगे। इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक एंड इट्स वेरी इजी टॉपिक एंड वी शुड नो दिस इज अ बिकॉज इट्स अ बेसिक टॉपिक। सो बेसिक टॉपिक ऑफ द स्टार्टिंग जीके पार्ट। ओके, सो यूनियन टेरिटरीज को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन अ कंट्री। कितनी यूनियन टेरिटरीज है राइट नाउ? कितनी है टोटल? 8 है हमारे पास। कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास अपनी कंट्री में दिस टाइम। ओके, अब सबसे पहले यूनियन टेरिटरी का हमें क्या पता होना चाहिए? मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग क्या होता है अपने पास यूनियन टेरिटरी का? क्या होता है, काफी बार क्या होता है, बहुत पहले काफी टेरिटरीज पहले बन गई है और कुछ अभी बनी है। तो टेरिटरीज में क्या होता है कि डिस्प्यूट रहता है। किस में डिस्प्यूट रहता है? झगड़ा रहता है स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में क्या रहता है? डिस्प्यूट रहता है। डिस्प्यूट रहने से कारण क्या होता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। वो सोचता है मेरे रूल्स फॉलो होंगे, वो सोचता है मैं क्यों करूँ, दूसरी स्टेट करेगी। तो इस तरह से डिस्प्यूट रहता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती है। वहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम क्या आता है? वॉयलेंस टाइप रहता है। तो हम उसको क्या करने आगजनी रहती है। एग्जनी रहती है हमारे पास, वहाँ पे क्या होती है? आगजनी रहती है, मीन्स एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम क्या उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अमेंडमेंट्स कर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स कर देती है, अमेंडमेंट करेगी तो क्या करेगी? उसको क्या करती है? अपने अंडर ले आती है, अपने अंडर ले आती है। अंडर लेके आएगी तो उसको अंडर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ेगा। तो उसको टेरिटरी बनाने के लिए कि ये मेरे अंदर आती है, ये वाली जो सिटी है जो या स्टेट है ये मेरे अंडर आ जाएगी तो मैं इसको यूनियन टेरिटरी बना दूंगा। और तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि ये सारे यूनियन टेरिटरी बना दिए गए क्योंकि इन सभी में क्या रहता था? डिस्प्यूट रहता था। तो क्या हुआ, अब सेंटर के अंडर आ गया तो क्या हुआ? सेंटर के रूल्स लगेंगे वहाँ पे। किसके लगेंगे? सेंटर गवर्नमेंट के रूल्स लगेंगे। सेंटर मीन्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं हमारे यहाँ पे, वो किंग है अपने इंडिया में। तो उनके रूल्स फॉलो होते हैं वहाँ पे, उनकी पॉलिसीज चलती है वहाँ पे। तो और डेवलपमेंट भी करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज चलती हैं। ठीक है, तो हमारे पास, चलो आई होप आप सभी को समझ में आएगा यूनियन टेरिटरी का मीनिंग। चलो फर्स्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है अंडमान निकोबार, बहुत ही सुंदर बेहतरीन है। तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप नेक्स्ट आती है अपने पास। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की आप क्या बोलेंगे? हमारे पास अंडमान की हो गई पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की आपकी हो गई, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, प्रोनाउंसिएशन कैरावटी, कैरावटी, वटी, कैरावटी या करावटी, करावटी भी बोलते हैं। पुडुचेरी की पुडुचेरी होती है। दमन एंड दीव, नागर हवेली पहले अलग अलग होती थी यूनियन टेरिटरी, तो अभी क्या किया गया 2 जनवरी 2020 में इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, कंबाइन करके इनकी कैपिटल क्या बोली गई? इनकी कैपिटल बोली गई सिलवासा। क्या बोली गई? सिलवासा। सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव एंड नागर एंड हवेली। जम्मू कश्मीर, आपने ये रिसेंट का टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2019 का ही टॉपिक है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला। कितना सारा उसमें, कितने सारे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं इसको यूनियन टेरिटरी बनाने में। और काफी टाइम वहां पे क्या है, लोगों को कैद करके रख, मतलब लोगों को क्या किया गया है वहां पे, सब कुछ बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो बंद करने के बाद क्या किया गया, हमारे पास एकदम लॉकडाउन की स्थिति थी वहां पे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की हमारे पास दो कैपिटल है। एक है हमारे पास, क्योंकि वो पीस शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेररिज्म लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पे सब लॉकडाउन की स्थिति बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर की होती है टू कैपिटल्स, एक होती है श्रीनगर, श्रीनगर नगर, श्रीनगर होती है समर में, समर, समर में होती है श्रीनगर, समर में क्या होती है? श्रीनगर। तो आप याद रख सकते हैं एस यहाँ पे आता है, समर में भी ऐसा आता है, इससे क्या होती है? श्रीनगर। उसके बाद जम्मू आती है। जम्मू किस में होती है? जम्मू किस में होती है? विंटर में। जम्मू होती है दूसरी कैपिटल इसकी, विंटर में, विंटर में। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही रहती है। लद्दाख की हमारे पास टू कैपिटल है, एक है लेह और एक है कारगिल। कारगिल, लेह होती है हमारे पास समर में और कारगिल होती है अपने पास विंटर में।
काफी बार बोल देते हैं ले, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई ना ले, तो कारगिल ले विंटर। ठीक है, दिल्ली की क्या होती है, दिल्ली होती है हमारे पास, दिल्ली की दिल्ली होती है, और हमारे पास चंडीगढ़ की चंडीगढ़ रहती है। ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, मैं इसको सही कर देती हूँ। समर, समर एंड विंटर। अभी आप सभी मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप करावटी, लक्षद्वीप करावटी। पुडुचेरी की पुडुचेरी होती है, पांडिचेरी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पुडुचेरी बोलते हैं। हमारे पास दमन एंड दीव नागर हवेली की क्या होती है, सिलवासा। इसकी जम्मू कश्मीर की होती है श्रीनगर एंड जम्मू, जम्मू होती है विंटर में और समर में होती है श्रीनगर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ होती है लद्दाख की, अगेन टू कैपिटल्स हैं, एक लेह होती है, एक कारगिल होती है। कारगिल युद्ध आप लोगों ने तो आई थिंक सुना नहीं होगा, लेकिन कारगिल वॉर हुआ था हमारे पास। तो कारगिल विंटर में होती है और लेह समर में होती है। ठीक है, तो हमारे पास और दिल्ली की दिल्ली होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुडुचेरी, इसकी कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है पुडुचेरी की। आप ऐसे लिखेंगे ना तो मेरे हिसाब से आप भूल जाएंगे, और अगर आप ये ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे ना, क्योंकि ये मेरी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ा तो मुझे याद रहा कि इनकी कैपिटल इनकी खुद की होती है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगी तो आप याद करते रह जाएंगे पुडुचेरी पुडुचेरी, चंडीगढ़ चंडीगढ़, दिल्ली दिल्ली, तो भूल सकते हैं। थोड़ा सा मतलब क्या होगा, आपका ही काम बढ़ेगा। तो बेटर है इन स्पेसेस को ब्लैंक छोड़ा जाए, ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इट मीन्स इसकी कैपिटल भी यही है। दिल्ली को ब्लैंक छोड़ा है, इट मीन्स इसकी भी कैपिटल यही है, और पुडुचेरी को छोड़ा है तो पुडुचेरी की भी कैपिटल पुडुचेरी खुद इटसेल्फ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके, पोस्ट योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। येस, कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, सी यू, बाय, टेक केयर।